नगर परिषद कोटर में लोग गर्मी के पहले ही परेशान हैं। गर्मी से पहले ये हालात है कि बूंद बूंद पानी के लिए घंटों मशक्कत के बाद मूलभूत जरूरतों में एक पानी नसीब होता है, लेकिन नगर परिषद कोटर के अधिकारी गहरी निंद्रा में हैं। ऐसा नहीं कि जिम्मेदार जानते नहीं, खासकर कोटर नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 में संकट अभी से विकराल है, क्योंकि ये वार्ड ऊंचाई में बसा है। पानी का संकट इतना बड़ा है कि पानी लीटर में मिल रहा है। ये स्थिति अभी से है, जबकि गर्मियों में क्या होगा, स्थिति भयावह दिखती है। इसके बावजूद जुम्मेवार कोटर की आधे से ज़्यादा की आबादी पेयजल के लिए खेतों में लगे निजी ट्यूबवेल पर निर्भर है। हाल ही में कोटर नगर परिषद की वार्ड क्रमांक 14 की 9वीं कक्षा की छात्रा नहर में पानी भरने गई थी, जिसका पैर फिसल जाने के कारण नहर में गिर गई थी, जिसको बड़ी मुश्किल से वहाँ मौजूद ग्रामीणों ने बचाया। कोटर नगर परिषद की वार्ड क्रमांक 14 में पानी का संकट होने के कारण पीने के पानी के लिए 2-3 किलोमीटर पानी भरने जाना पड़ता है, वो भी जान जोखिम में डालकर। पुलिस वाला न्यूज से जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कितने डब्बे पानी देते हैं नगर परिषद के लोग? इनको बोलता है जी, अब ऐसा नहीं आता है नहर में पानी भरने जी। लोग लड़के बच्चे जाते हैं वहाँ नहाते हैं जी। एक बच्ची उस नहर में गिर गई थी तो जना बच गई जी, मरने से और अब गिर गई थी। पानी भरने गए थे तो पैर फिसल गए। तो डेली नहर पानी भरने जाती हो? हाँ। यहाँ जो नगर परिषद टैंकर आता है वो पानी नहीं देता क्या? देते हैं तो दो लीटर। डेली आता है टैंकर? नहीं आता है। पानी भिजवाए जी, जबकि नगर पंचायत का खुद का एक टैंकर है और ट्रैक्टर है, चाहे तो दिन भर पानी ढोए जी, लोगों को पानी दे दे। और जब मैं अध्यक्ष था तो मैंने एक प्रपोजल तैयार किया था वार्ड नंबर 14 का, मेरी पहाड़ में पानी की टंकी बनाने का। वो फाइल आज भी पड़ी है नगर पंचायत में। और यदि वहाँ पानी की एक टंकी बन जाए और उससे सप्लाई दे दी जाए तो ये समस्या हल हो जाए। जी जी, बताइए क्या समस्या? पानी की समस्या है। बताइए क्या समस्या पानी की? यहाँ पानी नहीं मिलता है और नल चलता है न बोर चलता है, और सप्लाई का भी डर लगा है, सप्लाई का भी पानी नहीं आता है। और नगर परिषद में मतलब यहाँ के लोग सब गए थे बोलने, गैप मतलब देने गए थे, और मतलब वहाँ बोले हैं कि यहाँ पानी वार्ड नंबर 14 में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, कुछ इसका समाधान किया जाए। तो बोले कि ठीक है 4-5 दिन में करते हैं, लेकिन वो अभी आज तक अभी नहीं किए हैं। अभी हाल में 31 तारीख को मेरी बहन पानी भरने गई थी तो पैर फिसलते वो नहर में डूब गई थी। वहीं के 2-4 यहीं के हमारे वार्ड नंबर 14 के 2-4 भैया देखे हैं, उसको बाहर निकाले हैं और ले गए हैं डॉक्टर के यहाँ, दवा कराए, 3-4 इंजेक्शन लगे हैं और उसको 2-3 घंटे बाद होश आया है।